Students, we are going to do question number 12 of exercise 8.1, chapter quadrilateral exercise. In this question, ABCD is a trapezium. It is given to you. AB is parallel to BC. It is also given. AD is equal to BC. It is also given. You have to prove this angle A is equal to angle B. So first of all, we did construction. We construct CE parallel to AD. We constructed CE parallel to AD. So now we have to prove angle A is equal to angle B. Now we will prove with this part. So proof is AB is parallel to DC. It is being given in the question. And AD is parallel to CE. This is by construction. Ab ye line iske parallel hai aur ye iske parallel hai. From this implies, ye do equation imply karte hai, AECD is a parallelogram. AECD is a parallelogram, so we can say AD is equal to CE. Agar ye parallelogram hai, to ab hum ye keh sakte hai, AD is equal to CE. Aur humare paas ye bhi given hai, AD is equal to BC. Ab ye equations ko dhyan se dekhen, AD isme hai, to CE kiske equal ho jayega? BC ke. अब ये C हमारे पास AD कॉमन था तो CE हमारा BC के इक्वल आ गया. अब CE BC के इक्वल आ गया तो ये ट्रायंगल हमारा बन रहा आइसोसेलेस. तो हमने CE इज इक्वल टू BC यहां से लिखा क्योंकि हमारे पास ये दो इक्वेशंस ने ये इंप्लाई करा. अब CE इज इक्वल टू BC इंप्लाइज ट्रायंगल BCE इज आइसोसेलेस. अब मैंने ट्रायंगल BCE आइसोसेलेस है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CEB is equal to angle CBE. मैंने यहाँ पे लिख दिया angle, ये वाला angle CBE is equal to angle CEB. अब मैंने क्या करा, ये दोनों चीजें equal लिखी. अब introducing minus on both sides, यहाँ पे आप brackets में लिखेंगे introducing minus on both sides. फिर अगले step में introducing 180 on both sides, यहाँ पे brackets में लिखेंगे introducing 180 on both sides. अब 180 में से अगर आप CBE माइनस करेंगे, ये रहा CBE, 180 पूरा है लीनियर पेयर से, CBE माइनस करा मेरे पास बचा ABC, तो मैंने यहाँ पे B एंगल लिख दिया और साथ में रीजन लिखा लीनियर पेयर. अब 180 में से CEB ये वाला एंगल माइनस करेंगे. अब हमारे को पता है ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम 180 है. 180 में से CEB माइनस करूंगा तो एंगल A आएगा. मैंने यहाँ पे लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स, तो मेरे पास एक प्रूफ हो गया. आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ेगा. सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है एंगल डी सी के इक्वल है. एंगल डी और सी ये है. फर्स्ट पार्ट में आपने जो प्रूफ करा ए इज इक्वल टू बी आपने लिख दिया प्रूफ डबल. इंट्रोड्यूसिंग माइनस ऑन बोथ साइड्स, इंट्रोड्यूसिंग 180 ऑन बोथ साइड्स. 180 में से ए माइनस करेंगे तो एंगल डी आएगा, रीजन को इंटीरियर एंगल. 180 में से बी माइनस करेंगे एंगल सी आएगा, रीजन अगेन को इंटीरियर एंगल. सेकंड पार्ट इज प्रूफ. अब हमारे पास थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ए बी डी बी ए डी इज इक्वल टू ए बी सी. आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और आपको बी ए डी यानी ये वाला ट्राइंगल को ऑपरेट प्रूफ करना है. अब जरा दोनों ट्राइंगल्स का बेस देखें, ए बी है यहाँ पे मैंने लिखा बी सी और ए बी सी डी के पैरेलल भी है, ये भी लिखना बहुत जरूरी है. हमने थ्योरम पढ़ी हुई है ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज, ये थ्योरम पूरी ब्रैकेट्स में ऐसे साइड में लिखनी है. अब ये ए बी सी का एरिया बी ए डी के इक्वल आ गया, हमारे को यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखेंगे इक्वल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. यहाँ पे एरियाज इक्वल है तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी लिखेंगे. सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया, यहाँ पे रीजन लिख दिया जाएगा. और मेरे पास थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया. अब फोर्थ पार्ट में एसी को इस एसी को बीडी के इक्वल प्रूफ करना है. हमने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएडी, तो अब यहाँ से हम बाई सीपीसीटी कह सकते हैं एसी इज इक्वल टू बीडी. एसी की मिलती जुलती साइड बीडी है तो ये बाई सीपीसीटी.